राजस्थान विधानसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष रमेश डूडी के 3 करोड़ रुपए के सट्टे संबंधी वीडियो की गूंज रही। आज अंतर इतना था कि सत्ता पक्ष के बजाय प्रतिपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष रमेश डूडी को प्रश्नकाल के बाद जवाब देने की व्यवस्था सदन के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने दी। डूडी ने जवाब देते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने उन पर व्यक्तिगत लांछन लगाए हैं। राठौड़ ने बिना नोटिस दिए उन पर आरोप जड़े, एक अखबार में छपी खबर के आधार पर झूठे लांछन लगाए, उनका जवाब भी नहीं सुना। आखिर किस नियम के तहत उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए? डूडी ने कहा कि अभी सदन में बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, जनता किसान मजदूर के हितों पर प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, सरकार को जनता की तकलीफों के बारे में बताया जा रहा है, बजट निराशाजनक है, इसलिए सत्ता पक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता। इस वजह से शुक्रवार को राजेंद्र राठौड़ ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाए, जिससे सदन नहीं चले, वे हंगामा करते रहे, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष और सरकार जवाब नहीं सुनना चाहते और ना ही सदन चलाना चाहते हैं। बजट निराशाजनक होने की कहते पर सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हो गए। वे अध्यक्ष से कहने लगे कि उन्हें जवाब देने को कहा है, ना कि बजट पर चर्चा करने को। हंगामे के बीच अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष का जवाब पूरा मानते हुए शून्यकाल शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janpahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।